नमस्कार, मैं रवि त्रिपाठी बाबा स्कूल ऑफ म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फ्रेम के पीछे हूं, लेकिन हमारे साथ श्रीपाद पाखिया जी बैठे हैं जो तबला वादक भी हैं, बॉम्बे से आए हुए हैं। ये अपना परिचय खुद देंगे और इनके मन में कुछ सवाल है संगीत से रिलेटेड, तबले से रिलेटेड, जो गुरु जी से जानेंगे। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि उन सवाल को जो जवाब मिलेगा वो उससे हम भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो पारखे जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार रवि जी, थैंक यू सो मच। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को भी नमस्ते। जैसा रवि जी ने कहा, मैं श्रीपाद पारखे, मेरे गुरु जी पंडित भाई गायतोंडे जी, जो कि थिरकवा खासब की परंपरा में बहुत श्रेष्ठ कलाकार रहे हैं, और उनसे सीखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ यूं ही कुछ दिन पहले पंडित जी का तबला मैंने पहली बार सुना और सुनते ही दिल आ गया। यूं कहिएगा कि इसमें वो जो ट्रेडिशनल मिठास है, उसमें वो जो सच्चाई है, वही मुझे मुंबई से खींचकर पंडित जी के पास बनारस ले आई। और फिर उनसे बातचीत करते हुए कुछ अलग पर्सपेक्टिव्स मिले, कुछ अच्छी खासी नई चीज़ें जानने को मिली, जो कि मेरे गुरु जी की यादें ताज़ा कर गई। इसीलिए फिर मैंने रवि जी से कहा कि कुछ सवाल जो है, जो पंडित जी से मैंने पूछे, उनका फ़ायदा सभी को हो, सभी दर्शकों को जानकारी मिले। सो उसी के लिए मैंने पंडित जी से कुछ सवाल, मैं 2-3 सवाल करूँगा, ज़्यादा नहीं, जो कि हम सभी के लिए उपयुक्त होंगे, सारे विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। पंडित जी, मेरा पहला सवाल ये है कि एक अच्छे तबले की पहचान क्या है, क्योंकि आज की तारीख में हर कोई तबले पर बात करता है। आपने रामजी, पंडित रामजी मिश्र से सीख ली है, आपने बड़े बड़े महान कलाकारों से बातचीत करी है, तो एक अच्छे तबले की पहचान क्या होगी? और थोड़ा अपना क्वेश्चन आप क्लियर करें। तबले की पहचान मतलब कि तबला कैसा होना चाहिए या तबला वादक कैसा होना चाहिए? तबले का वादन कैसे होना चाहिए और फिर तबला वादक का बर्ताव भी कैसे होना चाहिए, दोनों, क्योंकि तबला आज एक चीज़ नहीं रही है। तबला और तबला वादक दोनों को एक ही तरीके से पूर्ण पैकेज के रूप में हम देखते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि तबला वादक को कैसा होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, शास्त्रीय संगीत में चाहे वो तबले का कलाकार हो, चाहे गायन का कलाकार हो, या किसी विधा का हो, अगर वो शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है तो पहले तो उसके अंदर में सज्जनता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सबसे पहला बात जो है कि वो सज्जन होना चाहिए। हाँ जी। तो ऐसा बोलते हैं कि जो अंदर होता है वही बाहर दिखता है। क्या खूब, ऐसा बड़े लोग बोलते रहे हैं और आज हम लोग भी उसको अनुभव करते हैं। तो सज्जनता अगर होगी तो निश्चित है कि उसकी जो विधा है, जो कला है उस कलाकार की, वो जरूर उसमें सामने दिखने को मिलेगी अपने को। तो तबला वादक को पहली बात तो सज्जन होना चाहिए, सभी लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए, और उसी के साथ साथ तबला भी बढ़िया अपने आप, खैर वो तो कोई कहने की बात नहीं है, तो मिठास होनी चाहिए तबले में। और हाथों की उंगलियों को लेके, उसके बैठने को लेके, उसके मुखमंडल को लेके, सारी बातें उसमें निहित हैं। और उस तरीके से फिर जब तबला वादन होता है तो उस तबले की कुछ आस, कुछ अच्छाई, कुछ मिठास, सब कुछ देखने को मिलता है। तो तबला वादक के रूप में जो है, एक अच्छे तबला वादक के रूप में अच्छा हाथ होना चाहिए। जी हाँ। अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जी हाँ। और मुद्रा दोष नहीं होना चाहिए। मुद्रा दोष, ठीक है। तो ये सारी कुछ उसमें समाहित है। तो उसके बाद जो तबला बजता है तो वो तबला बिल्कुल मिठास हो, जहाँ जोर की जरूरत है वहाँ जोर भी हो और बहाव हो, रवीज भी हो, उसके साथ सफाई भी उतनी आवश्यक है। क्या बात है। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम स्पीड में बजाएं और सफाई ना हो, बिल्कुल सही, तो वो थोड़ा कुछ अटपटा सा लगेगा और अपने को उसका रस नहीं मिलेगा। जी हाँ। तो इसलिए रविश भी जरूरी है और रविश उतनी ही जरूरी है कि वो साफ सुनाई दे।
तो हर इसमें एक जगह बनी हुई है। जी हाँ, जगह का मतलब है कि एक गति। जी हाँ, तो वो गति हम लोगों के चलने फिरने में, खाने पीने में, उठने बैठने में, सब में नहीं जाए। क्या हम जब चलते हैं तो भी एक गति होती है। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं कि एक बार धीरे चले, एक बार दौड़ के चले तो लोग बोलेंगे अरे तो कुछ माइंड इसका खराब हो गया। तो हाँ, वो सारी कुछ बात तबले में भी होती है। जी। तो स्पीड में भी उतना ही चलना है कि हम बड़े आराम से इजी उस बोल को बजा पाए। हमारा तात्पर्य बोलते हैं तो जैसे हम चलते हैं, अब ये नहीं कि दौड़ दौड़ के चल रहे हैं तो डिसबैलेंस हो जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए डिसबैलेंस भी नहीं होना है और ऐसे चलना है, मीन्स ऐसे जगह पर ऐसे स्पीड में बजाना है कि वो सफाई में भी बजे बहुत और उसका वजन भी बढ़िया रहे और हमको भी लगे, सुनने वाले को भी लगे कि वाह क्या स्पीड है, क्या जगह है, क्या गति है। तो वो सब कुछ एक जब सब मिल जाता है तो वो एक तबले की एक अलग अपनी पहचान बनती है। बिल्कुल। एक ऐसा लगता है कि यहाँ कुशल तबला वादक है, सफाई भी है, बैठने का तरीका, हाथ का रखाव, सब कुछ। तो ये सारी बातें तबला वादक के अंदर में बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो हमने पहले कही कि व्यवहार कुशल, सज्जनता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो जो सज्जनता रहेगी तो वही सज्जनता जो है तबले में भी दिखाई देती है। क्या खूब बात कही पंडित जी ने कि सज्जन तबला वादक जिन जो अपनी सहजतापूर्ण वादन प्रस्तुत करते हैं, रविश है, मिठास है, बैलेंस है, और तो और एक पैकेज के रूप में जो जब वो प्रस्तुत करते हैं तब दर्शकों के मन पर छा जाते हैं। मेरा दूसरा सवाल पंडित जी आपसे है। हाँ। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आज का ज़माना एक अलग ज़माना है। हाँ। आपकी आपने जो तालीम ली थी हाँ। वो खास तौर पर एक घराने की तौर पर ली थी, एक परंपरा के रूप में आपने वो जो तालीम पाई है हाँ। आपके गुरुजी और तथा उनके गुरुजी तबला सम्राट अनोखेलाल जी। सो आज की तारीख में जहाँ सब लोग अलग अलग घराने का उठाकर बजा रहे हैं, एक मिक्स करके बजा रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा घराने का जो महत्व है वो बताएं और उसका फायदा क्या है ये बताएं कृपया। देखिए घराने का तो एक मतलब ऐसा होता है कि एक क्या उसको कहते हैं ये परंपरा, तो परंपरा का मतलब होता है कि एक क्या उसको कहते हैं कि एक मतलब बजाने का एक तरीका। जी हाँ। वादन शैली। जी हाँ। तो सिर्फ वादन शैली ही नहीं होती है, वादन शैली के साथ साथ कुछ ऐसे चुनिंदा बोलों को बजाने का उनका अभ्यास। जी हाँ। उन घरानों में। जी हाँ। जिस घराने में हम ताल्लुक रखते हैं तो अगर हम कहें कि हम फर्रुखाबाद बजा रहे हैं तो उनके यहाँ जो एक परंपरा है कि पेशकार से बजाते हैं। जी हाँ। और उसको बड़े अच्छे से वो लोग बजाते हैं तो हमको भी उस तरीके से बजाने आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा कि जब उस परंपरा के जो संवाहक हैं, जो कलाकार हैं, जो विद्वान हैं, उनसे हम तबले की शिक्षा जब लेते हैं। जी हाँ। तो उस प्योरिटी को बनाए रखना, प्योरिटी इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो हमारा कर्तव्य है। क्या? क्योंकि अगर वो हम नहीं बजाएंगे तो हम कैसे अपने को स्थापित करेंगे कि हम फर्रुखाबाद से सीखे हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट तो ये तो एक हमने उदाहरण के तौर पर बताया, जैसा हम लोग बनारस बाद तबला कहते हैं, बजाते हैं, क्योंकि हम लोग ने जो सुना है, जिन विद्वानों को, जिन कलाकारों को अपने आंखों से, कानों से सुना है, देखा है, तो ऐसे लगता है कि कैसा तबला वो बजाते रहे। और उनकी बजाने की एक अलग शैली थी। बिल्कुल। बनारस घराने में ही इतने कलाकार थे कि बनारस का तबला तो जरूर बजता था पर सबकी एक अलग अलग पहचान थी। वो बनारसी घराना था, उसको हम अन्य घरानों से नहीं जोड़ रहे हैं, परंतु उनको बजाने की जो उनकी अपनी खुल की कुछ विशेषता थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो समझ में आता थी अरे ये फलाने का तबला है। जैसे हम लोग कुमार गंधर्व जी का गाना सुनते हैं तो बस अरे ये तो कुमार गंधर्व जी हैं, भीमचंद जोशी का गाना, क्योंकि वो पहचान बन गई है। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से ये जो घराने हैं, इन घरानों की अपनी कुछ खास विशेषता होती थी और है भी, परंतु आज के समय में क्या हुआ गया है,
कि समय परिवर्तनशील है जैसा लोग बोलते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, परिवर्तनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो पुराने लोगों ने जिस स्थान को, जिस समय को देख के, जिस वस्तु का निर्माण, जिन मूलों का निर्माण उन लोगों ने किया हुआ है, जिसके वजह से आज पहचान बनी हुई है, जी हाँ, तो उस पहचान को भी अपने को जिंदा रखना आवश्यक है। बहुत सही बात कही। और उसके साथ फिर आपने कुछ नया अगर किया है, ये बात है, तो हम उसकी तारीफ करते हैं। परंतु वो पुरानी चीजों को बजाते हुए, ये नहीं कि उसको भूल गए हैं और हम नया ही सिर्फ कर रहे हैं। ये बहुत अहम बात कही, ये बहुत आवश्यक हम समझते हैं। हाँ जी। और आज क्या हो रहा है कि अब नया कुछ करने के चक्कर में पुराना सब भूलते जा रहे हैं, और तो पुराने को भी तोड़ मरोड़ के नए अंदाज में पेश करने की कोशिश हो रही है। कि क्या हो रहा है, अधिकतम ये हो गया है ना कि नया तबला, नई उपज, नई सोच, नए नए कलाकार। जी हाँ। क्योंकि अब प्राचीन कलाकारों की भी बहुत कमी आ गई है। बिल्कुल। इसलिए आ गई है कि समय के साथ सबको इस पृथ्वी से जाना है, तो बड़े बड़े कलाकारों का न होना और नए कलाकारों का एक बड़ी तादाद में उपस्थित हो जाना, बिल्कुल, ये भी अपने आप में एक बड़ी मैंने उपलब्धि भी है और प्लस अपना नुकसान भी हो रहा है। तो नुकसान इस मामले में हो रहा है कि हम पुरानी चीजों को अब सहज के रख नहीं पा रहे हैं और नई चीजों को जरूर ला रहे हैं। जी हाँ, जी नया हाँ। टेक्निकल तबला काफी अच्छा है, हम बहुत तारीफ करते हैं उसकी। बिल्कुल। पर हम भी एक बात ये भी आप लोगों को दावे के साथ बता रहे हैं कि चाहे अहमद जान थिरकवा खा साहब हो, जी हाँ, चाहे अनोखे लाल जी हो, चाहे अन्य कोई भी कलाकार हो, जिन कलाकारों ने अपनी कुछ पहचान बना के रखी है, हाँ जी, उन कलाकारों का नाम आज बड़े बड़े कलाकार स्टेज पर बैठते समय लेते हैं कि हम अनोखे लाल जी का ये चीज बजा रहे हैं, हम गुदई महाराज की ये चीज बजा रहे हैं, या हम अहमद जान थिरकवा खा साहब की ये चीज बजा रहे हैं, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमने भी विचार किया कि उन लोगों का नाम ये लोग क्यों ले रहे हैं। जी हाँ। तो उसका कारण हमें एक समझ में आया कि इन लोग ने नया तो बहुत कुछ कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छा किया है, पर उन कलाकारों ने जो अपना योगदान दिया है, जो चीज बजा के छोड़ी हुई है, उसको ये लोग आज तक बजा नहीं पा रहे हैं। क्या बात। इसलिए उसका नाम, उन लोगों का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ ले रहे हैं। अगर उसको वो लोग कॉपी कर देते या उस जमीन पर बजा लेते तो शायद हमें लगता है कि उन लोगों का नाम भी लोग नहीं लेते। और यही वजह है कि आज असंख्य तबला वादक अपने पृथ्वी पर हो गए हैं। जी। तो सभी लोगों का नाम सभी कलाकार लोग नहीं लेते हैं। जी हाँ। कुछ चुनिंदा लोगों का नाम लेते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ बजा के छोड़ा है। बहुत अहम बात है। बहुत चाहे विलायत खान साहब हों, चाहे भीमसेन जोशी जी हों, चाहे किशोरी अमोनकर हों, चाहे तबले में खान साहब हों, विदई महाराज हों, अनोखे लाल जी हों, जो बड़े बड़े कलाकार हो गए हैं जिन्होंने तबला बजाया है। अब हमारे गुरु जी लतीफ अहमद दिल्ली वाले जो तबला बजाते थे उनकी भी बड़ी तारीफ करते थे। हाँ जी। तो इसका मतलब कि वो उन्होंने ऐसे जगह पर ऐसा तबला बजा के छोड़ा है कि आज भी लोग याद कर रहे हैं। तो परंपरा को लेके बजाना चाहिए जिससे एक पहचान बनी हुई होती है। बिल्कुल जी। और हम सभी लोगों से ऐसा जरूर प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनय करते हैं और अपनी राय भी उनको ये बताते हैं कि भैया परंपरा को जरूर जिंदा रखो, अपना भी करो, ऐसा नहीं कि तुम कुछ नया मत करो, नया भी करो पर उस परंपरा को भूलो मत। जी हाँ, जिसके वजह से हम आज यहाँ पहुँचे हैं या हम इतना तबला बजा रहे हैं तो उसको मत भूलो। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है पंडित जी ने कि परंपरा को ना भूले और परंपरा की चौखट में रह के एक ऊँचाई आप छू सकते हैं, जैसे कि अनोखेलाल जी ने करी थी या मुझे साहब ने करी थी। मैं बीच में थोड़ा नहीं बताइए बताइए ये बता रहा हूँ कि अभी हमको एक घटना याद आ गई कि बनारस में भारत भारती परिषद का एक तबले का कंपटीशन था, वो पराड़कर स्मृति भवन में हुआ था और उसकी फोटो मेरे पास आज भी है।
जिसमें कि बद्री महाराज, किशन महाराज जी, राजभान जी, प्रकाश महाराज, ये सभी लोग जज थे। और हम समकालीन हमारे जितने भी राम कुमार जी, मनोज मिश्रा, जितने भी हम माने उम्र के तबला वादक आज हैं बनारस के, सभी लोगों ने उसमें भाग लिया था। और उसमें फर्स्ट प्राइज जो है मनोज मिश्रा लखनऊ में जो है, अच्छा, उनको प्राप्त हुआ था। ओके। और सेकंड पुरस्कार हमें मिला था। क्या बात है। पर उसके इस घटना को बताने का जो उद्देश्य है वो मैं आगे जो बता रहा हूँ कि मैं तबला बजा के जब उठा, मैं छोटा था तो मेरे बड़े भाई साहब मेरे साथ थे, तो मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो वहाँ पर किशन महाराज जो थे उन्होंने मुझे बुलाया कि सुनो बेटा इधर आओ। तो मैं उस समय जानता नहीं था कि किशन महाराज कौन है। तो मेरे बड़े भाई साहब हमसे बोले कि अरे अरे किशन महाराज जी हैं, पैर छुओ पैर छुओ। तो हम गए, छोटे थे, हमने उनका पैर छुआ। तो हम जब उनके पास गए तो उन्होंने हमसे पूछा कि राम जी से सीखते हो? तो हमने कहा हाँ। जाओ। क्या बात है। तो अब यहाँ पर इस बात का मतलब बताने का मतलब वही परंपरा है जी हाँ। कि हम उस परंपरा से ही बजाते चले आ रहे हैं तो हमको अपने गुरु जी का नाम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बहुत खूब, बहुत। और किशन महाराज जी ने स्वयं आपका हाथ कह गया आप किसकी तालीम। और किशन महाराज जी ने एक बार नहीं, इसके बाद भी सईद खान साहब दिल्ली के आए थे सितार बजाने के लिए। तो उसमें मैं तबला बजा रहा था, सुचरिता गुप्ता जी का गाना था। अच्छा। तो मैं जैसे ही बजा के उठा नादिन निन्ना झाला बजा। क्या बात, क्या। तो उसके बाद भी किशन महाराज जी ने उस दिन भी कुछ ऐसी बात कही कि सब दर्शक देखते रह गए, बोले कि यार ऐसा नादिन निन्ना तुमने आज बजाया यार कि अनोखेलाल जी की याद ताजा कर ली। बताइए इससे और बड़ी क्या टेस्टिमोनी हो सकती है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल। तो इस परंपरा का जो उद्देश्य है कि आज उन्होंने जो जो बात कही वो सभी के लिए लागू होती है, मैं अकेला नहीं हूँ। जो कलाकार परंपरा से तबला सीख रहे हैं या गाना सीख रहे हैं या सितार बजा रहे हैं, जो भी उनकी विधा है, तो अगर वो परंपरा से है तो वो जरूर उसके अंदर में दिखाई देता है। बिल्कुल। वो नाम बताने की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। इनफैक्ट पर आज इसकी कमी हो गई है क्योंकि आज एक जैसा तबला सुनाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है बस एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सब लोग। ये नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पंडित जी आपने कही है कि एक सरीखा पैटर्न जो आ रहा है वो एक इनफैक्ट आप पंडित जी की बात पर अगर आप गौर फरमाएं तो आप देखें कि एक तबले का जो परंपरा है वो आपको एक पावर देती है, लिबरेट भी करती है और आपको एक अलग फाउंडेशन के ज़रिए आपको लॉन्च करने में मदद करती है। ये बहुत अहम बात है पंडित जी। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि ये जो परंपरा है, परंपरा फाउंडेशन बनाती है, आपकी एक पहचान बनाती है, तो इस परंपरा में उस तरीके के निकास का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। अब जबकि आपने भी कहा, जैसे हमने पूछा था कि हर एक कोई अलग अलग घराने की चीज़ें बजा रहा है जो कोई गैर बात नहीं है, लेकिन उस समय रियाज का महत्व बहुत हो जाता है क्योंकि उस घराने की चीज़ उस अंदाज से या उस मिठास से बजे। हाँ। तो थोड़ा सा दर्शकों को रियाज कैसे करे और हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाए ताकि जो भी घराने की चीज़ें बजे आसानी से बजे, उस मिठास से बजे, उस अंदाज से बजे, तो उस पर थोड़ा सा आपके विचार बताइए। नहीं, हमारे विचार ये है कि जो अपने गुरु से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, तो पहली बात तो हम क्लियर कर दें कि कोई गुरु कमजोर नहीं होता। बिल्कुल। चाहे वो किसी भी घराने का हो। बिल्कुल। गुरु कमजोर नहीं होता, कमजोर शिष्य होता है। और उसको इतना भरोसा अपने गुरु पर नहीं रहता, इसलिए ये कमजोरी आ रही है, ऐसा हमारा मानना है जी। तो जो रियाज की बात जो आपने कही, तो वो प्रत्येक घराने में, जैसे खान साहब का है और हम लोग बनारस बाग तबला बजाते हैं, हम लोगों का है, या पंजाब वाले जैसा बजाते हैं वैसा है जी हाँ। या अजराड़ा वाले जैसा बजाते हैं या दिल्ली वाले जैसा बजाते हैं दो उंगली से। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि उनकी जो परंपरा के अनुसार अगर हम दो उंगली का रियाज नहीं करेंगे तो उस दोनों उंगली में वेट नहीं आएगा, वजन नहीं आएगा। बिल्कुल। इसलिए जो उनकी परंपरा है, जो उनका घराने की जो उनकी चीज है, उनको उनके अंदाज में रियाज करना ही चाहिए।
कितनी महत्वपूर्ण बात। नहीं तो फिर वो चीज वो कैसे समझाएंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे? तो हम बनारस वालों को या खान साहब के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना है तो खान साहब ने जिस तरीके से बोलों को बताया है उन बोलों को बजाना, उतने कम लय में बजाना, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो हमने अपना जो अनुभव किया है वो हमारे हिसाब से एवरेज जो एक तबले का होता है, जहाँ हमने पहले भी बोला कि एक समान गति हो, अधिक हो, वेट भी हम उतना दे सकें, हमारे मैंने अंडर में रहे, जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं और अगर स्टीयरिंग पर से अपना हम खोलेंगे तो निश्चित है कि गाड़ी कहीं ना कहीं लड़ेगी। तो स्टीयरिंग संभालने के लिए हमें बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जब स्पीड में होगी तो हम गाड़ी को चलाएंगे, और वही चीज इस तबले में भी है। अगर हमें है, जी। तो हमें उस जगह जहाँ बिल्कुल स्पष्ट हम उस बोल को, ताकि उसमें वजन भी उतना दे सके और हमारी जो स्पीड है निरंतर आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल। तो करत अभ्यास नहीं, जो जड़म अति होती सुजान, आप अभ्यास करते जाएगा तो धीरे 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 मंजिल तक निश्चित है आप पहुँचेंगे। तो हमारे हिसाब से उन बोलों को उस अंदाज में उतनी स्पीड में बजाना चाहिए, न कि स्पीड में। कितनी बात है कि उस अंदाज से उतनी ही स्पीडनेस में आप उसको मेंटेन कर सके, आप उसको सहजता से परफॉर्म कर सके। बिल्कुल। अंग्रेजी में कहावत है कि ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। जिसे मिले तो कुछ थोड़ा ही वक्त हो गया, लेकिन मेरे गुरुजी से जो मैंने सीखा है, जो विचार है और अजीत जी के विचार हैं, इसमें इतना मेल खा रहा है कि मैं आप सबको बता नहीं सकता कि कितनी कितनी सहजतापूर्ण विचार दोनों में, इसमें बहुत सिमिलैरिटी है। उनका यही है कि आप अंदाज से बजाय, सहजतापूर्वक बजाय, कंट्रोल के साथ बजाय, घर हर चीज़ हो, फायदा उठाए, ना कि उसको तोड़ मोड़ के कितना कुछ ना बने। तो अंत में पंडित जी आप दो तीन बातें कहना चाहेंगे, जो क्योंकि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा आप सबके विचार जानकर, इतनी सिमिलैरिटी है। और मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप बल्कि सुने, बल्कि आप अपनी रील को इनकॉर्पोरेट करें। बिल्कुल, वही वही करना है, नहीं उतारना है उस बात को और करना है। और जो बात भी आपने कही तो आपको कितनी खुशी होगी हम नहीं जानते हैं। बहुत खुशी बिल्कुल हुई होगी और हम देख भी रहे हैं आप भाव और जो समर्पण भाव जो है तबले के प्रति, वो आप चले आए, हमें से कई गुना अधिक खुशी हो रही कि आप लोगों ने, आपने तबले के लिए, संगीत के लिए जो विचार त्याग लिया, पर बात किया, तो ये बहुत बात है। और आज के समय में इतना कोई करता नहीं, वही करेगा जिसको उसके प्रति लगाव हो, दर्द हो, प्रेम हो। तो आपकी जो संगीत के, आपकी जो रुचि है, आपका जो रुझान है, आपका जो प्रेम है, वो अनवर है। और कारणों के पीछे सबसे कि बाबा म्यूजिक स्कूल जो है, इसका बहुत बड़ा योगदान है इस संगीत को आगे बढ़ाने में। हमें कहने की जरूरत नहीं है, सारे दर्शक लोग देख रहे हैं और आपने भी किया होगा। तो ये कोई नहीं है, कोई भी स्कूल हो, कोई संस्था हो, कोई भी हो, जो संगीत को आगे बढ़ा रही है, खास करके हमारी जो धरोहर है संगीत की, जी उसको जो आगे बढ़ा रहा है, उसके पीछे जो अपना समर्पण बिल्कुल दिखा रहा है, जो व्यक्ति समय ऐसा, तो ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए बिल्कुल बधाई। और भाव उनका अनवर, हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे संगीत और सेवा हो और गुरुजी की भी सेवा करें ही आपकी कामना है। थैंक यू सो मच, और दर्शकों को भी धन्यवाद।